नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। अफजलगढ़ ब्लॉक के अगवानपुर गांव स्थित बृहद गौ संरक्षण केंद्र में गोपाष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम का संचालन गौरक्षक दल के जिला प्रमुख विनय भार्गव ने किया। वहीं अपर निदेशक पशुपालन मुरादाबाद डॉक्टर तेज सिंह व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विजेंद्र सिंह, गौरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जी महाराज तथा कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से गौ पूजन कर गौ माता को तिलक कर गुड़ व चारा खिलाया। इस अवसर पर अपर निदेशक तेज सिंह व सीवीओ विजेंद्र सिंह ने समाज के लोगों से अपने पशुओं को खुलाना छोड़ने व घरों में बांधकर रखने की बात कही। धामपुर से पधारे दमयंती देवी अस्पताल चिकित्सक आदित्य अग्रवाल ने अपनी डॉक्टर मोनिका के साथ कार्यक्रम में पहुंचकर अपने विचार रखे। इस मौके पर आयोजकों ने अतिथियों को माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर गौरक्षक दल के श्याम जी महाराज ने आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता संगम चौहान, अफजलगढ़। जी, अपर निदेशक मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद पशुपालन। आज अगवानपुर गौशाला जो कि अफजलगढ़ विकास खंड में स्थित है, इसमें गोपाष्टमी के अवसर पर यहां पर प्रतिभाग करने का सौभाग्य मिला। इस गौशाला में आने के बाद मेरे को जो जानकारी मिली कि यहां पर जो हमारे समाज सेवी हैं उनके द्वारा जो बहुमूल्य योगदान इस गौशाला के संचालन में दिया जा रहा है वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। यहां पर जो भी गौवंश रखा गया है वो उचित तरीके से उसकी देखभाल हो रही है, उसका सही तरीके से चारा दिया जा रहा है तथा यहां पर हमारे जो स्थानीय डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर धीरेन्द्र, उनकी लगातार यहाँ की आने से कांस्टेंट सुपरविजन, और मैं बहुत ही अपने सीवीओ साहब का आभारी हूँगा कि जिनके जो दिन रात हमारे इस जनपद में लेके काम करते रहते हैं, उन सबके प्रयासों से इस गौशाला का एक अच्छा स्वरूप हुआ है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद। सर, अभी जैसे जानकारी मिल रही है कि लंपी रोग फैला हुआ है, तो हमारे मंडल क्षेत्र में क्या इस समय वह है, कितनी मतलब इस पर कंट्रोल हुआ और क्या प्रयास है? हमारे जनपद मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले पांचों जनपदों में सबसे पहले हमने इस बीमारी, लंबी बीमारी जिसमें गाय के खाल पे चपत्ते पड़ जाते हैं, उसके लिए वैक्सीन प्राप्त की तथा उस वैक्सीन को हमारे जनपद बिजनौर में हमारे सीईओ साहब यहाँ के सभी डॉक्टर साहब के सहयोग से 100% समय से पहले लगा दिया गया, जिससे कि इस बीमारी का जो प्रकोप होता वो नहीं ना के बराबर हुआ। जो पशु पूर्व में ही इसमें बीमारी में आ गए थे उनका सही तरीके से उपचार किया गया, और मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी है कि पूरे जनपद में मात्र 2-4 पशुओं की ही मृत्यु हुई है, बाकी सारे पशु जो है 99% इसकी रिकवरी हुई है। इसके लिए मैं, मेरा परिवार पशुपालन विभाग परिवार है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।